गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और अब हम एयूस का अगला वीडियो ले रहे हैं। जो है बर्ड्स में कुछ डाटा ले रहा हूं मैं, जो है बर्ड्स के जो क्या क्या डाटा है वो सुनो। एक होता है पामिड पैड, पामिड पैड वो बर्ड्स होते हैं हैविंग वेब्स इन फुट, वेब बोलते हैं स्किन को, उंगलियों के बीच में जो स्किन आ जाए, खिंच जाए, उंगलियों के बीच में स्किन लंबी हो जाए, खिंच जाए, तो उसको वेब बोलते हैं। और जिसके पैरों में वेब हो उन बर्ड्स को बोलते हैं पामिड पैड। बर्ड्स हैविंग वेब्स इन फुट, पैरों में अगर वेब है तो उसको पामिड फुट बोलेंगे। जो बर्ड्स के पैर में कितनी उंगलियां होती हैं फुट में? नॉर्मली 4 डिजिट्स, समटाइम 3 डिजिट्स, रेयरली 2 डिजिट्स। लिजार्ड के पैर तो पेंटाडेक्टाइल ही होते। जो लिजार्ड में आगे वाले पैर में भी 5 उंगलियां होती, पीछे वाले में 5 होती है। मेंढक में, सलामेंडर में आगे वाले पैर में 4 उंगलियां थी, पीछे वाले में 5 उंगलियां थी। लिजार्ड में मोस्टली 5 उंगलियां आगे वाले पैर में होते, 5 वाली 5 ही पीछे वाले पैर में होती है। लेकिन बर्ड्स की अगर बात करें तो उसके पैरों में नॉर्मली 4 उंगलियां होती, कभी कभी 3, और रेयरली शायद ही कभी 2 उंगलियां भी हो जाए बर्ड्स के अंदर। तो ऐसे पैर जिसमें वेब हो पामिड पैड बोलते हैं। अच्छा, एक होता है बर्ड्स की अगर बात करें तो टेलर बर्ड या दर्जी बोलते हैं इसको। ये बर्ड्स कैन अटैच टू और मोर लीव्स, दो या दो से ज्यादा पत्तों को जोड़ देता है। जैसे टेलर कपड़ों को सिलता है, जिस तरह से टेलर कपड़ों को सिलता है, टेलर बर्ड या दर्जी बर्ड जो है दो या दो से ज्यादा पत्तों को जोड़ देता है। जो दूसरा आता है व्यूअर बर्ड या बया, काफी इंट्रिकेट नेस्ट होता है इसका, सलाइवा भी यूज करता है। टेलर बर्ड तो पत्तों को जोड़ देता है, जो टेलर की तरह से टेलर कपड़ों को जोड़ता है, टेलर बर्ड पत्तों को जोड़ता है। व्यूअर बर्ड जो है व्यूविंग करता है, सिलाई करता है, जो मतलब सॉरी बुनाई करता है, व्यूविंग में बुनाई, जैसे ऊन बुनते हैं। इसका जो घोंसला होता है, नेस्ट जो होता है, बहुत इंटीग्रेट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेस्ट होता है इसका। जो अपने नेस्ट को तिनका तिनका बना के बहुत कॉम्प्लेक्स नेस्ट बनाता है, जो अपना घोंसला बहुत कॉम्प्लिकेट बनाता है व्यूअर बर्ड्स। अपना सलाइवा भी ऐड कर लेता है उस नेस्ट के अंदर। जो दुनिया में सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है, नेस्ट दुनिया में सबसे बड़ा किसका होता है? लार्जेस्ट नेस्ट बाल्ड ईगल का, नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए, तो कंट्री सिंबल ऑफ यूएसए। यूएसए जो होता है उसका कंट्री सिंबल है बाल्ड ईगल, और इस बर्ड्स का नेस्ट जो घोंसला है सबसे बड़ा घोंसला है इस दुनिया का। बाल्ड ईगल जो है उसका नेस्ट या घोंसला जो है लार्जेस्ट माना गया है, सबसे बड़ा नेस्ट इसी का होता है। नेस्ट या घोंसले की स्टडी को बोलते हैं नाइडोलॉजी। नाइडोलॉजी होती है स्टडी ऑफ नेस्ट। नेस्ट की स्टडी नाइडोलॉजी होती है, और एग की स्टडी वूलॉजी होती है, स्टडी ऑफ एग, स्पर्म एग। एग जो होते हैं, एग के लिए वर्ड लगाते हैं ऊ, डबल ओ, ऊलॉजी एग की स्टडी होती है, और नेस्ट की स्टडी नाइडोलॉजी होती है।
एनआईडीओ एलोलॉजी और नाइटोलॉजी नेक्स्ट की स्टडी होती है उलोजी एग की स्टडी होती है। इसके अलावा जो आउल होता है उसमें आई लाइट और व्हीकल की तरह से होती है। जिस तरह गाड़ियों में लाइट लगी होती है उसी तरह से आंखें लगी होती है इसके अंदर आउल के अंदर। आउल के अंदर आंखें उस तरह से लगी हुई है जैसे गाड़ियों में लाइट लगी हुई है। हिलती नहीं है आंखें, जो पीछे देखना है तो सिर को ही घुमाना पड़ेगा ऐसे ऐसे। हम तो आंख भी घुमा लेते हैं ऐसे ऐसे, हम तो आंख घुमा लेते हैं पीछे देखने के लिए, लेकिन इसकी इसकी आई मूव नहीं करती है इसकी कैमल की, सॉरी जो है आउल की जो, इसको पूरी गर्दन को हिलाना पड़ता है अगर पीछे देखना है तो। आई जो है वो इमोबाइल है, मुंह नहीं करती है, और टू सी बैकवर्ड, पीछे देखना हो तो टू सी बैकवर्ड जो आउल है वो रोटेट हैंड। आउल अपने सिर को घुमा लेता है पीछे को देखना होता है, पीछे देखना तो सिर को घुमाएगा ना कि आई नहीं घूमेगी, सिर घूमेगा जो। चलो आउल जो है नक्षत्रन है, रात को एक्टिव होता है, मोर रोड सेट्स। आउल जो है उसमें आंख के अंदर रोड सेल ज्यादा होती है, रोड सेल रात को देखने में हेल्प करती है। इसमें मेनली रोड सेल ही होती है, इसमें रोड सेल ही होती है जो रात को देखने में हेल्प करती है, कौन सेल नहीं होती है जो दिन में देखने में हेल्प करती है। रोड सेल का काम होता है हेल्पिंग नाइट विजन। रोड सेल रात को देखने में हेल्प करती है, वो रोड सेल काफी ज्यादा होती है आउल के अंदर जो। अच्छा, आउल जो है वो माइस या रैट खा लेता है, ईट चूहे खा लेता है उल्लू जो है, आउल या उल्लू जो है चूहे खाता है। इसका साइंटिफिक नेम है टाइटो अल्बा। आउल का उल्लू का साइंटिफिक नेम है टाइटो अल्बा। इसमें विजन पावर और हियरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, सुनने की और देखने की पावर बहुत ज्यादा होती है। शार्प विजन पावर एंड हियरिंग पावर। आउल में देखने की पावर और सुनने की पावर बहुत ज्यादा होती है जो। इसके अलावा ये स्नेक की तरह से आवाज करता है, हिसिंग साउंड लाइक स्नेक। जो सांप फुंकार मारता है एकदम हवा, नाक से हवा फेंकता है उसे फुंकार बोलते हैं जो। सांप की तरह से ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है आउल जो है। तो इस तरह से ये आउल होता है। क्या क्या बताया आउल में? रात को एक्टिव होता है, इसको दिखता भी बहुत है, सुनता भी बहुत है रात को जो। स्नेक की तरह आवाज करता है, रात को देखने में हेल्प करता है, इसलिए इसमें रोड सेल बहुत ज्यादा होती है जो रात को देखने में हेल्प करती है, मेनली होती ही रोड सेल है। आंखें ऐसे लगी हुई है जैसे गाड़ियों व्हीकल में लाइट लगी हुई है, हेडलाइट जो सामने की लाइट होती है। और ये चूहे खाता है जो, ठीक है। तो ये था आउल। अच्छा, जो जंगल फाउल है, फाउल की बात कर रहा हूं मैं, रेड जंगल फाउल,
जितने भी मुर्गे की वैरायटी है वो ओरिजिनेट हुई है रेड जंगल फाउल से। क्या लिखें? ऑल फाउल वैरायटीज, ऑल फाउल वैरायटीज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल है, उसी से सारी फाउल या मुर्गे की वैरायटी ओरिजिनेट हुई है। फाउल का साइंटिफिक नेम होता है गैलस, गैलस गैलस। नॉर्मल मुर्गा होता है उसके साइंटिफिक नेम होता है गैलस गैलस। मेल को बोलते हैं कॉक, फीमेल को बोलते हैं हैन, और दोनों को बोलते हैं फाउल। मुर्गे को बोलते हैं कॉक, मुर्गी को बोलते हैं हैन, दोनों को बोलते हैं फाउल। तो इस तरह से मुर्गा होता है ये। फाउल पॉलीगैमस है, फाउल पॉलीगैमस है। पॉलीगैमस का मतलब था एक मेल कई फीमेल के साथ रहेगा। जो पॉलीगैमस मीन्स वन मेल लिव विद मैनी फीमेल्स। एक मेल कई फीमेल के साथ रहता है फाउल में, जो है पॉलीगैमस है। पॉलीगैमस का मतलब एक मेल कई फीमेल के साथ रहे, फाउल में ऐसा होता है। इट इज गेम बर्ड, गेम में भी ये बार यूज होता है। फाउल फाइटिंग इज फेमस इन वुमेन। मुर्गों को लड़ाते हैं कई कंट्री में जो है, तो फाउल की फाइटिंग, इंसान इंसान मुर्गों को लड़ाता है, ये काफी फेमस है। जो फाउल फाइटिंग जो है कॉमन है, फाउल जो मुर्गे हैं उनकी फाइटिंग उनको लड़ाते हैं, ये कॉमन है जो है इंडिया के अंदर। और फाउल को खाया जाता है फूड के रूप में, खाने फूड के, इसके अंडे भी खाए जाते हैं, ये खुद को भी खाए जाते हैं। फाउल जो है उसके एग भी खाए जाते हैं, और फाउल पूरे फाउल को भी खाते हैं, मुर्गे को भी खाते हैं, अंडे को भी खाते हैं। ये हमारे सबको पता बताने की जरूरत नहीं है जो। तो इस तरह से ये फाउल होता है। जो फाउल के अंदर, फाउल के अंदर 7, 2, 9, 6, 15, 16 वर्टिब्रिया जो जुड़ी हुई है। इन फाउल 16 वर्टिब्री आर फ्यूज्ड, दीज फ्यूज वर्टिब्रीज आर कॉल्ड सिंसैक्रम। सारी वर्टिब्री जुड़ जाती है उसको सिंसैक्रम बोलते हैं। सिन मतलब जुड़ गई, सैक्रम मतलब वर्टिब्री। सिंसैक्रम एक बोन है, 16 वर्टिब्री जब जुड़ जाती है तो एक बोन बनती है जिसको सिंसैक्रम बोलते हैं। वर्टिब्री कितने टाइप की होती है मैं नाम बता देता हूं। वर्टिब्री बैकबोन को बनाती है, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी बोन से बनती है जिसको वर्टिब्री बोलते हैं। हमारे अंदर कितने टाइप की वर्टिब्री होती है? सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री और कोडल वर्टिब्री। इस दुनिया में 5 टाइप की वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोडल। इनकी ज्यादा डिटेल आगे आएगी। जो ये 5 टाइप की वर्टिब्री होती है, ये 16 वर्टिब्री जो बनी है सिंसैक्रम बोन के अंदर, सिंसैक्रम बोन वर्टिब्री में, सिंसैक्रम बोन जो बनी है 16 वर्टिब्री से बनी है। कौन कौन सी है?
सात तो है कॉडल, दो है सेक्रल, छह है लंबर, एक है थोरेसिक, ये 16 बनेंगे इससे, 7, 6, 13, 15, 16। फाउल में 16 बोन जो बनती है, सॉरी फाउल में 16 वर्टिब्री जो जुड़ती है उनके नाम है, एक थोरेसिक जुड़ती है, 6 लंबर जुड़ती है, 2 सेक्रल जुड़ती है और 7 कॉडल जुड़ती है। 1 थोरेसिक, 6 लंबर, 2 सेक्रल और 7 कॉडल, ये 16 वर्टिब्री जुड़ती है तो बनती है एक बोन जिसका नाम है सिन सैक्रम। तो सिन सैक्रम बोन भी बनती है और कहा होती है सिन सैक्रम बोन, ये वर्टिब्री किसमें जुड़ी है, फाउल के अंदर। फाउल में ये सारी वर्टिब्री जुड़ती है, एक बोन बनेगी सिन सैक्रम। तो मुर्गों के अंदर 16 वर्टिब्री जो है जुड़ जाती है और सिन सैक्रम बोन बन जाती है। इसके अलावा सी गुल ऐसा बर्ड है जो ड्रिंक सी वाटर एंड एक्सक्रेट साल्ट फ्रॉम नेजल ग्लैंड। सी गुल ऐसा पक्षी है जो सी का पानी पिएगा, सी का पानी पिएगा, सी में तो नमक है, नमक भी अंदर जाएगा लेकिन इसके बाद नाक में ग्लैंड होती है, उसे नमक को बाहर फेंक देता है, जो नहीं तो मर जाएगा। जो अगर सी का साल्ट अंदर जाएगा तो मर जाएगा, उस फालतू साल्ट को नाक से बाहर फेंक देगा। जो सी गुल ऐसा बर्ड है जो सी का वाटर पीता है और जो साल्ट सी का अंदर जाएगा उसको नेजल ग्लैंड से बाहर फेंक देता है, जो सी का जो साल्ट है उसको नेजल ग्लैंड से बाहर फेंक देता है। जो अच्छा बर्ड्स में एक पैटर्न नाम की चीज होती है, पैटर्न इन बर्ड्स, पैटर्न इन बर्ड्स बताने से पहले एक इसकी पैटर्न इन बर्ड्स की बताऊं क्या होता है बर्ड्स में पैटर्न। हम बोलेंगे found in the eye of birds, पक्षियों की आईज में मिलता है पैटर्न, डार्क कलर का होता है, इट इज सॉफ्ट। पैटर्न के बारे में बता रहा हूं मैं, जो बर्ड्स की आई में डार्क कलर का है, सॉफ्ट है, वास्कुलर है, वास्कुलर का मतलब ब्लड सप्लाई काफी है इसमें, सॉफ्ट है, वास्कुलर है, ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा है, प्रेजेंट नियर ब्लाइंड स्पॉट, प्रेजेंट नियर ब्लाइंड स्पॉट, आंख के अंदर ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया होता है, आंख के अंदर होता है ब्लाइंड स्पॉट, वहां से दिखता नहीं है आदमी को, जिसे ब्लाइंड मतलब अंधा, आंख का वो एरिया जो देखने में हेल्प ना करे उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, उसमें ऑप्टिक नर्व होती है। जो ये आई है, ये आई है, ये ब्लाइंड स्पॉट है और ब्लाइंड स्पॉट के अंदर होती है ऑप्टिक नर्व, और ये लेंस है आगे आंख के अंदर, ये लेंस है। तो ये पैटर्न है, पैटर्न ब्लाइंड स्पॉट के पास है और ब्लड सप्लाई है इसमें, हाईली वेस्कुलर का मतलब कंटेन मोर ब्लड सप्लाई। इसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा है इसलिए वेस्कुलर बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट के पास है, सॉफ्ट है, डार्क कलर का है, आई को नरिश करता है, जो इट नरिश द आई, आंख को फूड प्रोवाइड करता है। इसी पैटर्न की वजह से जो है बर्ड्स को ज्यादा दिखता है, जो ड्यू टू पैटर्न, पैटर्न की वजह से बर्ड्स कैन सी मोर। पैटर्न की वजह से बर्ड्स को दिखता बहुत ज्यादा है, जो
अच्छा ये एकोमोडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, इट आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एकोमोडेशन। जब बर्ड्स देख हम देखते हैं या बर्ड्स देखते हैं तो लेंस की शेप चेंज होती है। सुन एक मिनट गौर से सुनना, ये पेन है, मैंने मेरी आंख के पास देखा, मैंने ऐसे देखा पेन को, फिर मैंने पेन को दूर लेगा फिर देखा, अब लेंस की शेप में चेंज आया, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन किसको बोलते हैं? लेंस की शेप में चेंज आना एकोमोडेशन किसको बोलते हैं? चेंज इन शेप ऑफ लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इन पोजिशन। जब ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज होती है, कभी नजदीक कभी दूर कभी दूर, तो लेंस की शेप चेंज होती है, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। पैटर्न भी एकोमोडेशन में हेल्प करता है, पैटर्न से भी एकोमोडेशन हो जाती है, पैटर्न की वजह से एकोमोडेशन हो जाती है। पैटर्न सब बर्ड्स में मिलता है, एक बर्ड्स में नहीं मिलता। कौन सा बर्ड्स में पैटर्न नहीं मिलता है? पैटर्न जो है, पैटर्न इज नॉट फाउंड इन कीवी बर्ड्स, पैटर्न नहीं मिलता कीवी बर्ड्स के अंदर। सब बर्ड्स में मिलता है, कीवी में नहीं मिलता है, रात को दिखता भी नहीं है इसको, कीवी को रात नक्षत्र बर्ड है, रात को नहीं दिखता इसको, मतलब सॉरी नक्षत्र रात को दिखेगा तो देखने की जरूरत ही नहीं है दिन में इसको, जो तो पैटर्न इसमें नहीं होता। लिजार्ड में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लिजार्ड में है। पैटर्न इज प्रेजेंट, पैटर्न इज प्रेजेंट इन यूरोमैस्टिक्स लिजार्ड, जिसको स्पाइनी एंटीटर स्पाइनी टेल लिजार्ड कहा था, जिसको सांडा कहा था, सांडे का तेल निकलता था इससे, मस्कुलर पेन को ठीक करता था। तो पैटर्न यूरोमैस्टिक रेप्टाइल में, रेप्टाइल में पैटर्न नहीं मिलना चाहिए, यूरोमैस्टिक एक्सेप्शन इसमें मिलता है, बर्ड्स में मिलना चाहिए, लेकिन कीवी एक्सेप्शन इसमें नहीं मिलता। तो इस तरह से एक पैटर्न का ऊपर था जो है, इसके अलावा अब हम आते हैं वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, गिद्ध। सबसे बड़ा पक्षी तो ऑस्ट्रिच है वैसे, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच तो मिलता नहीं इंडिया में। तो वल्चर जो है वो लार्जेस्ट इंडियन बर्ड है, इंडिया का जो बर्ड सबसे बड़ा है वो वल्चर है। इट्स नंबर डिक्रीज्ड ड्यू टू एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स नेमली डिक्लोफेनेक। शरीर में कहीं रेडनेस और स्वेलिंग हो जाए, लाल हो जाए, सूजन आ जाए तो इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। शरीर के किसी हिस्से में रेडनेस या स्वेलिंग आ जाए तो इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। मवाद भर जाए तो भी इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए डिक्लोफेनेक दवा दी जाती है। इस दवा की वजह से वल्चर मर रहे हैं, जो वल्चर की जो नंबर घटता जा रहा है, इसका नंबर इसलिए घट रहा है क्योंकि डिक्लोफेनेक दवा इसके अंदर मिली है, इससे मर रहे हैं जो।
वल्चर में तो हम बोलेंगे टॉपस्ट फ्लायर, हाईएस्ट फ्लायर, वल्चर है सबसे ऊपर उड़ता है आसमान में, सबसे ऊपर उड़ने वाला पक्षी वर्ड वल्चर है, हाईएस्ट फ्लायर है, सबसे ऊपर उड़ता है, पेड़ में टिप पार्ट पे रहता है, फाउंड एट द टिप पार्ट ऑफ ट्री। वल्चर जो है पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मिलता है, और मेल और फीमेल दोनों पेरेंटल केयर करते हैं, जो बच्चे का देखभाल मेल फीमेल दोनों करते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरेंटल केयर। मेल और फीमेल दोनों ही बच्चे को ध्यान रखते हैं, जो वल्चर में मेल और फीमेल दोनों बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो वल्चर स्पंजर भी है, वल्चर को गिद्ध बोलते हैं, मरी हुई डेड बॉडी को हटा देते हैं, स्क्वेंजर भी है, गिद्ध जो है डेड बॉडी को हटा देते हैं जो, तो इसलिए गंदगी साफ करने वाले को स्क्वेंजर बोलते हैं, तो बैक्टीरिया बन जाए, तो वल्चर जो है स्क्वेंजर है, डेड बॉडी को खा जाते हैं जो, तो इस तरह से वल्चर होते हैं जो। इसके अलावा एक बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये मिलता है गुजरात, राजस्थान इनमें मिलता है, और हंटिंग की वजह से इसका नंबर घटता जा रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसका नंबर घटता जा रहा है, क्योंकि राजस्थान का स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है राजस्थान का, स्टेट बर्ड है राजस्थान का, इसका नंबर घटता जा रहा है, वो इसको मार के खा रहे हैं लोग, जो इसको लोग मार रहे हैं इसलिए इसका नंबर घटता जा रहा है। एक होता है हमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स इसके बारे में देखते हैं क्या खास बात है। हमिंग बर्ड्स दुनिया का सबसे छोटा बर्ड्स है, स्मॉलेस्ट बर्ड, हर जगह का हमिंग बर्ड हर जगह का स्मॉलेस्ट नहीं है, क्यूबा कंट्री का स्मॉलेस्ट है, दीज आर कॉल्ड इनको हम बोलते हैं क्यूबन बीज, इनको क्यूबन बी बोलते हैं, जो क्यों बोलते हैं इनको क्यूबन बी, क्यूबा कंट्री की मधुमक्खी, क्योंकि मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है, ये भी शहद इकट्ठा करता है, क्यूबन बी बोलते हैं। कैन फ्लाई फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऐसा पक्षी है जो आगे भी उड़ सकता है पीछे भी उड़ सकता है, कोई दुनिया में ऐसा पक्षी नहीं है जो आगे भी उड़ के चला जाए पीछे भी उड़ के चला जाए, क्यूबन भी ऐसा होते हैं, हमिंग बर्ड ऐसा होते हैं जो उड़ के आगे भी चले जाते हैं पीछे चले जाते हैं। नेवर सिट ऑन द फ्लोर, कभी भी फूल के ऊपर बैठते नहीं है, हमिंग बर्ड्स फूल पे बैठते नहीं है, जो
बर्ड्स फूल पे बैठते नहीं है और हमिंग बर्ड साइंटिफिक नेम इज मिलेसुगा। इनका साइंटिफिक नेम होता मिलेसुगा स्मॉलेस्ट बर्ड। तो पोइकिलोथर्म ड्यूरिंग नाइट हमिंग बर्ड्स सारे बर्ड होम्योथर्म होते हैं हमारी तरह से, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, होम्योथर्म होते हैं हमारी तरह से बर्ड्स। लेकिन हमिंग बर्ड्स रात को, दिन में तो हमारे जैसे होम्योथर्म है, रात को पोइकिलोथर्म हो जाते हैं, रात को पोइकिलोथर्म बन जाते हैं, रेप्टाइल जैसे बन जाते हैं, टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है रात को इनका। जो कैन शो हाइबरनेशन हमिंग बर्ड्स हाइबरनेशन कर सकते हैं, जो मतलब विंटर में इनएक्टिव हो जाते हैं बर्ड में, मतलब हाइबरनेशन नहीं शो करने चाहिए लेकिन ये हाइबरनेशन कर जाते हैं, हाइबरनेशन कर जाते हैं ये जो है बर्ड्स हमिंग बर्ड्स। हाई मेटाबॉलिक रेट जिस तरह से स्लू जो होता है श्रू को पहले स्मॉलेस्ट मेमल मानते थे, जो छसुंदर को श्रू छसुंदर, श्रू कई टाइप के होते हैं, एक श्रू छसुंदर भी होता है, तो स्मॉलेस्ट मेमल मानते हैं श्रू को और स्मॉलेस्ट बर्ड पहले मानते थे स्मॉलेस्ट, अब नहीं जो अब तो मेमल कराऊंगा तो बताऊंगा, एक होगनोज बैट आ गया उसको स्मॉलेस्ट शामिल करते हैं, तो बाद में बात करें। श्रू में और हमिंग बर्ड्स इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, जो ऑर्गेनिज्म जितना छोटा होगा उसमें मेटाबॉलिक रेट उतना ज्यादा होगा, याद रख लो, जो ऑर्गेनिज्म जितना छोटा होगा उसका मेटाबॉलिक रेट उतना ही ज्यादा होगा, ये याद रख लो। तो श्रू और हमिंग बर्ड्स इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, श्रू और हमिंग बर्ड्स का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। इसके अलावा हमिंग बर्ड्स भी हो गए, तो ये थे हमिंग बर्ड्स के बारे में, स्मॉलेस्ट बर्ड्स के बारे में। दूसरी बात है एक बर्ड है जो पॉइजनस है, जो बर्ड्स का नाम है पीटो हुई पॉइजन बर्ड्स। जिस तरह से मेंढक भी पॉइजनस मिला था, गोल्डन डार्ट फ्रॉग गोल्डन कलर का मेंढक पॉइजनस मिला था, हेलोड्रमा लिजार्ड पॉइजनस मिली सांपों की तरह से, उसी तरह पिटो हुई बर्ड्स पॉइजनस बर्ड है। इसका पॉइजन कहां होता है, इट्स पॉइजन इज इन स्किन एंड इसका पॉइजन स्किन में होता है एंड विंग्स में होता है। पिटो हुई का पॉइजन स्किन और विंग्स में होता है, और इसका पॉइजन क्यों रखता है, ये पॉइजन इसलिए रखता है, ये अपने अंदर पॉइजन इसलिए रखता है ताकि कोई हाक या इंसेक्ट उसको खा ना जाए। पॉइजन प्रोटेक्ट फ्रॉम स्नेक एंड हाक। स्नेक या हाक उसको खाना जाए इसलिए पॉइजन अपने स्किन और विंग्स में रखता है, पिटो हुई है ये पॉइजनस बर्ड है। दुनिया में कौन सा बर्ड है जो सबसे तेज उड़ता है, कौन सा बर्ड है दुनिया का जो सबसे तेज उड़ता है, तो मानेंगे दुनिया का फास्ट स्विफ्ट या माइक्रोपोडस। बर्ड्स का नाम है स्विफ्ट,
साइंटिफिक नेम है माइक्रोपोडस। माइक्रो मतलब छोटा ही पोडा, मतलब पैर, छोटे पैर वाला। स्विफ्ट, स्विफ्ट तो मारुति की गाड़ियां भी होती है। ये फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, सबसे तेज फ्लाई करता है। स्पीड है 171 किलोमीटर पर आवर। तो रेवाड़ी से कितना पड़ता होगा दिल्ली? 80-90 किलोमीटर पड़ता होगा। ये ऐसा बर्ड है जो एक घंटे में रेवाड़ी से दिल्ली चला भी जाएगा, वापस भी आ जाएगा। रेवाड़ी से दिल्ली चला भी जाएगा, वापस भी आ जाएगा। कितने तेज दौड़ता है ये? दौड़ता नहीं है, उड़ता है। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, स्पीड 171 किलोमीटर पावर। और रेयरली सिट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कम ही बैठता है। ये जो माइक्रोपोडस स्विफ्ट है, ग्राउंड पे कम बैठता है, उड़ता ज्यादा है। स्विफ्ट या माइक्रोपोडस उड़ता ज्यादा है, ग्राउंड पे कम बैठता है। तो ये था स्विफ्ट। दूसरे बर्ड पे आते हैं जो है एक बर्ड है बुबुलकस या कैटल ईग्रेट। ये शो करता है कोमेंसलिज्म विद बर्ड्स विद कैटल्स। कोमेंसलिज्म वो इंटरेक्शन होता है जिसमें एक अनअफेक्टेड होता है, एक को फायदा होता है। ये कोमेंसल है बुबुलकस। जो अनअफेक्टेड होता है उसको होस्ट बोलते हैं। कैसे? कभी तुमने देखा हो गांव के अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको पता होगा, जो किसी खेत में पशु ग्रेजिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं पशु, तो ग्रेजिंग कर रहे हैं खेत के अंदर, उसके पीछे पीछे पक्षी चल रहे हैं, पीछे पीछे पक्षी चल रहे हैं, तो वो बुबुलकस पीछे पीछे चलेगा। जब पशु चलेगा खेत में, पशु चलेगा तो उसके पैरों की वजह से बर्ड्स उड़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट उड़ेंगे। जब पशु चलेगा तो छोटे छोटे इंसेक्ट उसके पैरों की वजह से उड़ेंगे, बुबुलकस को दिख जाएंगे, उसको खा लेंगे। तो बर्ड्स तो अनअफेक्टेड है, होस्ट है, उसको तो पता नहीं कि उसकी वजह से जो इंसेक्ट उड़ रहे हैं, लेकिन इसको खाना मिल जाएगा बुबुलकस को, वो खा लेगा। तो इसके कॉमन सर्जिकल इंटरेक्शन शो करता है बुबुलकस, कैटल ईग्रेट बोलते हैं। इसके अलावा काइट, साइंटिफिक नेम होता है मिलवस। काइट पतंग को बोलते हैं और इसको पुराने टाइम में चील बोलते थे। मेरे को ध्यान है जब हम बहुत छोटे होते थे गांव में कोई गाय भैंस मर जाती थी, पशु मर जाता था, इतनी चील आती थी, इतनी चील आती थी, एक दिन में जिस दिन में मरता था, दिन दिन में चील सारे पशु खा जाती थी। जो आज चील नहीं मिलती है, जो चील खत्म हो चुकी है, हमारी साइड में तो खत्म हो गई, लेकिन इंडिया से खत्म हुई है नहीं, वो अलग बात है। जो चील जो है काइट है, साइंटिफिक नेम मिलवस है, ये स्क्वेंजर होती है। जो स्क्वेंजर मतलब ईट डेड बॉडीज, साइंटिफिक नेम मिलवस है, डेड बॉडी को खाती है। चील जो है डेड बॉडी को खाती है, लेकिन कई बार तो ये नॉर्मल पक्षियों को भी खा जाती है। कैन किल फाउल को भी खा लेता है। जो काइट या जो चील है
काइट या जो चील है ये डेड बॉडी को खा लेती है जो, और मुर्गों को भी खा लेती है, बतख को भी खा लेती है। काइट या जो चील होती है ये मुर्गों को खा लेती है, बतख को खा लेती है, डेड बॉडी को खा लेती है। तो इस तरह से ये चील या काइट होती है। इसके अलावा इसकी चोंच होती है, ऊपर ऊपर वाली बीक बड़ी होती है, चोंच के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला बड़ा होता है ऐसे ऐसे ऐसे, काइट की बीक होती है, ये बीक है। काइट जो चील है उसकी बीक है जो अपर पार्ट लॉन्ग है, ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता है, नीचे वाला पार्ट छोटा होता है। काइट चील का जो ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है चील के अंदर। इस तरह से काइट होती है। इसके अलावा और अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से अब इस वीडियो को यही रोकना पड़ेगा, टाइम हो गया जो। बर्ड्स कंटिन्यू है और बाकी के बर्ड्स अगले वीडियो में लेते हैं जो।